प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी प्रशासन की कमी के कारण गंदे नाले में तब्दील। पिहोवा में सरस्वती नदी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज प्रशासन और नगर पालिका पिहोवा की कमी से अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। यह नदी कई किलोमीटर लंबी है और पिहोवा के बीचों बीच होकर निकलती है व सरस्वती तीर्थ पर आकर समाप्त हो जाती है। 25 वर्षों से पिहोवा के लोग इसमें बहते हुए जल की मांग कर रहे हैं और इस दौरान जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कोरे वादों के सिवाय कुछ नहीं किया। आज सरस्वती नदी के हालात यह है, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आना पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें गंदगी इतनी हो चुकी है कि यह पवित्र नदी अब नदी नहीं गंदा नाला बनकर रह गई है। सरस्वती नदी केवल अब राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्शन में राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गई है। जब इलेक्शन के नाम होते हैं तो एक प्रपोजल आ जाते हैं, परंतु इसकी साफ सफाई और रखरखाव के लिए कोई कार्य नहीं होता। पिछले कुछ समय पहले नगरपालिका पिहोवा ने जो मटेरियल सरस्वती के रिपेयरिंग पर लगाया था वह मटेरियल घटिया स्तर का था और जब सरस्वती सरोवर ने पानी डाला गया तो सारी असलियत सामने आ गई। सरस्वती के रखरखाव के लिए तीन तीन कमेटियां बनी हुई हैं, जिनमें की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और तीसरा नगरपालिका पिहोवा है, परंतु नदी के रखरखाव के लिए पूरी कार्यवाही शून्य के बराबर है। यह एक धार्मिक मुद्दा है जो कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, परंतु न तो सरकार और ना ही प्रशासन लोगों की भावनाओं की कदर कर पाया है। पिहोवा में हर साल तीन मेले सरस्वती पर लगते हैं, जिनमें की चैत का मेला, सरस्वती महोत्सव, तीसरा गीता जयंती महोत्सव है और इन मेलों के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का फंड भेजा जाता है, परंतु नदी सरस्वती व सरोवर के रिपेयर का कार्य देखा जाए तो प्रशासन और आयोजकों पर शक की सुई घूमती हुई दिखाई देती है। दिखावे के लिए जो कर्मचारी सफाई रख रखाव के लिए लगाए गए हैं वह कर्मचारी कभी नजर नहीं आते, जिनका की सरकार को आर्थिक तौर पर लोगों को आस्था के तौर पर चूना लगा रहे हैं। यदि इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर को बचाना है तो सरकारों व प्रशासन को साफ नियत से काम करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों की आस्था से हमेशा यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा।